क्या आपको एक इंस्टाग्राम अकाउंट बाय करना है जिसमें पहले से ही बहुत अच्छी खासी रीच हो, बहुत सारे फॉलोअर्स हो, जो बिल्कुल एक्टिव हो, रियल फॉलोअर्स हो, तो बिल्कुल सही जगह पे आए हो। तो ये जो आइडिया आपको स्क्रीन पे शो हो रही है ना भाई, ये सेल आउट हो रही है। तो अगर आप इसे बाय करना चाहते हो तो इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है इस अकाउंट से रिलेटेड, इसकी रीच, इसके ब्रांडेड कंटेंट, कम्युनिटी गाइडलाइंस वगैरह, जो भी इसने ये ब्रेक करा है या फिर नहीं करा, सब कुछ मैं आपको आज वीडियो में शो करने वाला हूँ। तो इसे किसे बाय करना, अगर आप इंटरेस्टेड हो, सब कुछ मैं आज वीडियो में क्लियर कर देने वाला हूँ। तो आपको कहना पड़ेगा कि वीडियो में तक बने ना, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। तो सबसे अपन बात करते हैं इस अकाउंट के फॉलोअर्स की, तो इस अकाउंट में आपको 98.5 के फॉलोअर्स देखने को मिल जाएंगे। आपने थंबनेल में 1 लाख देखे होंगे, पर देखो भाई सिर्फ 1500 ही कम है, जब तक आप अकाउंट को बाय करोगे तब तक 1 लाख हो ही जाएंगे। और बात करें भाई फॉलोइंग की, तो सिर्फ 12 की फॉलोइंग है, 33 पोस्ट अकाउंट पे की हुई है, तो भाई बहुत ही ज़्यादा फॉलोअर्स अकाउंट में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करें रीच की, तो इस अकाउंट पे 9.2 मिलियन की रीच गई है लास्ट 30 डेज में, मतलब कि पिछले 30 दिनों में इस अकाउंट पे 9.2 मिलियन की रीच गई है। बहुत ही ज़्यादा रीच होती है भाई, और इस पे ना रोज के 50-55-60 हज़ार व्यूज आ ही रहे हैं, और बीच में 1 मिलियन में गया, आप ऊपर देख सकते हो। तो जो रीच है ना भाई बिल्कुल रियल फॉलोअर्स हैं, आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो रीच आ रही है ना रोज की रेगुलर आ रही है, मतलब जो व्यूज़ अप डाउन होते हैं ना, ज़्यादा अप डाउन व्यूज़ नहीं है, बिल्कुल कॉन्स्टेंट व्यूज़ आ रहे हैं, मतलब जितने आने हैं उतने आ ही रहे हैं। अगर आप इस अकाउंट का सही यूज़ करो तो इससे आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो और इसे और अच्छा भी बना सकते हो। अब बात करें मोस्ट वायरल वीडियोस की, तो इस अकाउंट में मिलियन में आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, और जो मोस्ट 3 पॉपुलर वीडियोस हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई एक पे 8.2 मिलियन व्यूज़ हैं, एक पे 1.5 मिलियन व्यूज़ हैं, और एक पे 1.2 मिलियन व्यूज़ हैं। तो अगर आप चाहो तो अगर आप अच्छा अच्छा कंटेंट डालोगे इस अकाउंट पे, तो आपकी और वीडियोस भी मिलियन में ज़रूर जाएंगी। अब ये जो अकाउंट है भाई, रिकमेंडेशन गाइडलाइंस और कम्युनिटी गाइडलाइंस दोनों को पूरी तरीके से फॉलो करता है, मतलब इस अकाउंट ने आज तक कोई भी गाइडलाइंस को ब्रेक नहीं किया हुआ है। आपको दोनों टिक यहाँ पे दिख रहे होंगे, तो कोई भी ब्रेक एक बार भी नहीं किया। अब बात करते हैं भाई ब्रांडेड कंटेंट की, तो ये जो अकाउंट है भाई ये ब्रांडेड कंटेंट के लिए भी एलिजिबल है, मतलब कि आप भाई ब्रांडेड कंटेंट टूल्स का यूज़ कर सकते हो। दो टूल्स होते हैं भाई, एक इनवाइट कोलैबोरेटर और दूसरा होता है भाई पेड पार्टनरशिप लेबल। अब भाई ये अकाउंट पे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो ऑलरेडी भाई आपको बहुत सारे ब्रांड्स के भाई DMs आएंगे, मैसेजेस आएंगे, तो आप उससे भी अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। अब अगर आपको ये अकाउंट पसंद आया और आप इसे परचेज करना चाहते हो, तो आपको जो स्क्रीन पे ये प्रोफाइल दिख रही है ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आपको ना इसमें DM कर देना है। फिर भाई मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि आपको कैसे परचेज करना है, क्या इसका प्राइस है, सब कुछ जितनी भी डिटेल्स है सब कुछ मैं आपको भाई डीप में अच्छी तरीके से बताऊंगा। और बाकी अगर आपको भाई कोई और इंस्टाग्राम अकाउंट भी बाय करना है, आप अपना बजट में को इंस्टाग्राम पे बता सकते हो, तो मैं आपके बजट के हिसाब से आपको अच्छी खासी आइडिया दिखा दूंगा। पर मिनिमम भाई 5K रखना, क्योंकि 5K तक में आपको अच्छा खासा अकाउंट एक ढंग का मिल सकता है। अगर आप ज़्यादा कम बजट रखोगे तो आपको मतलब इतना अच्छा नहीं मिल पाएगा, पर फिर भी अवेलेबल रहते हैं अकाउंट, सब टाइप के बजट में आपको अकाउंट अवेलेबल मिल जाएंगे। बाकी अगर कोई इंस्टाग्राम से रिलेटेड, फिर यूट्यूब से रिलेटेड और कुछ पूछना है, जान से बताना है, तो एक कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिर आप लोग इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, सभी मेरी प्रोफाइल स्क्रीन पर देख रहेगी। सो आप सब लोग को वीडियो पसंद आएगी और आज वीडियो से राइट इन्फॉर्मेशन मिली हुई। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।